कोरोना अपडेट्स की करते हैं। मध्य प्रदेश में शुक्रवार तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार हो जाएगी। जी हां, बुधवार को प्रदेश में 1773 और भोपाल में कोरोना के 329 नए केस सामने आए। इसी के साथ अब प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,98,284 तक पहुंच गई है। खास बात देखिए इसमें यह है कि पन्ना, अशोकनगर, डिंडोरी, बुरहानपुर, आगर, मालवा, निवाड़ी, ये ऐसे 6 जिले हैं जहां अब तक संक्रमितों की संख्या 1,000 से कम है। कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस बुधवार को बढ़कर 13,742 हो गए और एक ही दिन में करीब 800 केसों में बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में भी एक्टिव केसों की संख्या अब 2,500 के पार पहुंच चुकी है। तो संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। बहुत जरूरत है सावधान रहने की, क्योंकि ये संक्रमण घातक साबित हो रहा है। खास तौर पे ये बताया जा रहा है कि लंग्स का इन्फेक्शन तेजी से दूसरी लहर वाले संक्रमण में हो रहा है। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता वासु चौधरी जुड़ चुके हैं। वासु, लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, खास तौर पे राजधानी भोपाल की अगर बात करें। प्रशासनिक तौर पे क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, इंतजाम क्या क्या हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो दूसरी लहर है काफी ज्यादा घातक साबित हो रही है और रिकवरी रेट भी लगातार इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। बिल्कुल करिश्मा, देखिए गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना की जो दूसरी वेव शुरू हुई है ये सर्दियों के सीज़न में शुरू हुई है। सर्दियों के मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो एक आम बात है। लोगों को इन सीज़न में सर्दी खांसी जैसी समस्याएं होती ही हैं, लेकिन इस जो कोरोना वायरस के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सर्दी, खांसी और जुकाम ही है। ऐसे में समस्या कहीं ना कहीं बढ़ गई है और जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि लगातार कोविड के जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ये 4 महानगर हैं मध्य प्रदेश के और यही सबसे ज़्यादा प्रभावित भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो अन्य बड़े ज़िले हैं और अब तो जो छोटे ज़िले हैं, गाँव हैं, कस्बे हैं, वहाँ तक भी कोरोना अपने पैर पसारते हुए नज़र आ रहा है। इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम तमाम सावधानियों को बरतें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितना ज़्यादा हो सके सैनिटाइज करते रहें। इसके अलावा जो त्रिकुट काढ़े की जो व्यवस्था की गई है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, उसको समय समय पर उसको सेवन करते रहें और अन्य जो सावधानियां बताई जा रही हैं और जो रेमेडीज़ हैं अगर उनको लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर रख पाएंगे और इसके साथ अगर गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो हम खुद को और अपने परिवार को इस पूरे कोविड के जो संक्रमण है इससे सुरक्षित रख सकेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सावधानी रखने में ही अभी बेहतरी है। वैक्सीन का थर्ड ट्रायल कई सारी कंपनीज कर चुके हैं लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वैक्सीन कब तक आएगी और मध्य प्रदेश में लोगों को वैक्सीन कब तक और किस तरह से उपलब्ध हो सकेगी। इसलिए अभी सावधानी ही बचाव है, तो सावधानी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल वासु, और हम भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि सावधानी और सतर्कता जरूर रखें। पॉजिटिव मरीजों की संख्या क्योंकि अब तेजी से बढ़ रही है और सेकेंड वेव काफी ज्यादा घातक है। लगातार सिम्टम्स में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले बुखार वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी लेकिन अब सर्दी खांसी वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि संक्रमण के जो लक्षण हैं वो अब बदल रहे हैं। जैसे जैसे ठंडक बढ़ी है संक्रमण के लक्षण भी तेजी से बदलते जा रहे हैं, यानी कि अब बुखार कम, सर्दी खांसी वाले मरीज ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और फेफड़ों में संक्रमण 15% तक बढ़ गया है। कोरोना के मामलों में बड़ा बदलाव अब देखने को मिल रहा है। पहले मरीजों में 2% लंग इन्वॉल्वमेंट होता था लेकिन अब ये 15% तक पहुंच चुका है। पिछली बार हालांकि मृत्यु की जो दर है वो तेजी से हो रही थी, इस बार क्योंकि व्यवस्थाएं हैं और पहले से ही इसको लेकर तैयारी कर ली गई है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि गंभीर मरीज भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन इसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि संक्रमण अब लंग्स में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो कोरोना का कहर तेजी से जारी है, ठंडक के साथ साथ इसके सिम्टम्स भी तेजी से बदल रहे हैं।